तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लीन साइंस के स्टॉक के बारे में। क्लीन साइंस के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट है, रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी स्टॉक यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 2.34% की अगेन यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से अभी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1327 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1288, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1025, और इसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 1189 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1393 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1440, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1535, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी तक हमारे पास स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न है। लेकिन अगर स्टॉक ने यहाँ पर 1535 के लेवल को यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1617, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 1697, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1828 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।